वेलकम टू सुखन वर्ल्ड ट्रैवल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। ये है आउटर रिंग रोड जो कि सीधे बाईपास की तरफ जाती है। आज ये मेरा इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस ब्लॉग का नाम सुखन वर्ल्ड ट्रैवल्स क्यों रखा है। इसके लिए हमें अब जाना होगा पुरानी दिल्ली। हम पहले यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और पुरानी दिल्ली जाके वहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैंने इस ब्लॉग का नाम सुखन वर्ल्ड ट्रैवल्स क्यों रखा है। मंजिल अभी दूर है, लेकिन एक एक पड़ाव पार करते करते हम बढ़ते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जनकपुरी वेस्ट स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से हम ओल्ड दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी व्लॉग है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग को अच्छे से अच्छे तरह मैं प्रस्तुत करूँ। अब चांदनी चौक जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ से नीचे से मजंटा लाइन पकड़ के हॉर्स कार्स उतरेंगे, वहाँ से हम फिर येलो लाइन पकड़ के चांदनी चौक की तरफ कूच करेंगे, या दूसरा रास्ता है कि हम ऊपर जाके ब्लू लाइन पकड़ें और वहाँ पे राजीव चौक उतर के वहाँ से येलो लाइन की तरफ बढ़ें। ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये मजेंटा लाइन के लिए जाता है। जो कि मुनिरका वसंत विहार IIT होते हुए नेहरू प्लेस की तरफ जाती है। लेकिन हम यहाँ से ऊपर जाएंगे ब्लू लाइन की तरफ। ऐसी ये ट्रेन पकड़ेंगे राजीव चौक के लिए। हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में बैठे हुए हैं और हमें अभी जाना है बल्ली मारा की तरफ। वहीं पर राज खुलेगा कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम सुखन वर्ल्ड ट्रैवल्स क्यों रखा है। तो बढ़ते हैं बल्ली मारन की तरफ। ठीक शीशगंज गुरुद्वारे के सामने हमारे लेफ्ट साइड में पड़ता है द फेमस रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, लेकिन हम यहाँ जाएंगे टुवर्ड्स टाउन हॉल, पराठे वाली गली, आसाराम पराठाज होते हुए बल्ली मारा तक हम पहुँचेंगे। आज ये रास्ता रिलेटिवली खाली है। यूजुअली यहाँ पे भीड़ ही भीड़ होती है। आज सैटरडे है, दोपहर शायद गर्मी पड़ रही है, इसलिए लोग शायद कम आए हैं या छाँव में बैठे हुए हैं। ये चांदनी चौक का रीवैम्प वर्जन है। पहले यहाँ पैर रखने की जगह ना होती थी। अभी 11:30 बज रहे हैं तो माहौल ठीक है, गर्मी है लेकिन रास्ते खाली हैं। हम बड़े चले टाउन हॉल की तरफ, इसके बाद हम चलेंगे बल्ली मारा जहाँ पे राज खुलेगा कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम सुखन वर्ल्ड ट्रैवल्स क्यों रखा है। बीच में डी टूर लेते हुए पराठे वाली गली, तो
पराठे वाली गली से किया था और एग्जिट हम कर रहे हैं नई सड़क से। नई सड़क बहुत फेमस है अपने ड्रेस मटेरियल्स के लिए और किताबों के लिए। बढ़ते हैं टूवर्ड्स टाउन हॉल फिर बल्ली मारा। अभी हम खड़े हैं टाउन हॉल पे। यहाँ का ये सबसे मोस्ट आइकॉनिक पराठे वाला है, इनका नाम है आशाराम। अब से 20 साल पुरानी बात है कि ये 24/7 खुला रहता था। अभी बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, तो मुझे मालूम नहीं कि ये सुबह कब खुलती है और रात कब खुलती है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम श्योर कि ये 24/7 इसको ओपन रहने नहीं देते होंगे। ये आपका टाउन हॉल चांदनी चौक और हमें वहाँ जाना है बल्ली मारा की तरफ। हमारे पीछे है रेड फोर्ट। हमने मेन रास्ते को मिस करते हुए पराठे वाली गली से डिटोर लेके अंदर से हम आ गए। यहाँ से सीधे आपको मिलेगा रेड फोर्ट, यहाँ मिलेगा आपको फतेहपुरी मस्जिद। हम बढ़े चले बल्ली मारा की तरफ। बल्ली मारा काफ़ी फेमस है अपने जूते और ऑप्टिकल्स की होलसेल मार्केट के लिए। यहाँ पे शीरमाल भी काफ़ी फेमस है जो कि मैदा और दूध से बनता है। इसके ऊपर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगा के देते हैं। नहीं भैया पैदल। बल्ली मारा को बल्ली मारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 17वीं शताब्दी में जब लाल किले के सामने से यमुना बहती थी तो इस एरिया में नाव चलाने वाले रहते थे। बल्ली का मतलब होता है चप्पू जिससे नाव चलती है, मारा का मतलब होता है चलाना, चप्पू को चलाना। बल्ली मारा का मतलब होता है चप्पू को चलाना। जून का महीना है तो आम तो दिखने लाजमी। बल्ली मारा के मोस्ट फेमस पर्सनालिटी के घर जाने वाले हैं जो कि दिल्ली के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू और फारसी के पोएट माने जाते थे, उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। आखिरी के चंद साल उन्होंने वहीं बिताए थे जहां उनका घर था। गली का नाम है गली कासिम जान।
मोस्ट आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, मोस्ट आइकॉनिक हाउस। यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल ही उन्होंने बिताए थे। बल्ली मारांग गली का सिंजान, आइए अंदर की तरफ चलते। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ही खाली, मतलब कि बिल्कुल ही खाली है। सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये हैं मिर्ज़ा गालिब, मतलब फ़ारसी और उर्दू के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स और दिल्ली के सबसे श्रेष्ठ। तो अब उस बात पे आते हैं कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम सुखनवर व्लॉग्स क्यों रखा, सुखनवर ट्रैवल्स क्यों रखा। देखते हैं अगर हमें इसका जवाब यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप खुद जान लें कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम सुखनवर ट्रैवल्स क्यों रखा था। ये मिर्ज़ा गालिब के चंद अशआर हैं जो कि उन्होंने अपने बारे में लिखा था, और मेरे भी सुखनवर ट्रैवल्स रखने का यही मतलब था। यह है मिर्ज़ा गालिब का आइकॉनिक हाउस जो उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी के कुछ साल बिताए थे। ये मेरा भी एक इंट्रोडक्टरी व्लॉग है मेरे नए चैनल सुखनवर ट्रैवल्स। थोड़े धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक ठीक मेरा वीडियो बने। थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं लेकिन वो लाजमी हैं क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। थोड़ी शाई भी फील कर रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है, और पता भी लग रहा है कि बहुत मेहनत का काम है क्योंकि जून का महीना है और दिल्ली में भाई साहब बहुत गर्मी है। लेकिन इन्जॉय किया, अच्छा लगा। इसी बहाने आपको भी मिर्ज़ा गालिब का घर देखने का मौका मिला। ये पड़ता है बल्लू मारांग में जो कि टाउन हॉल से 5 मिनट के रस्ते में आगे है। वहाँ से आपको अंदर आना है और गली कासिम जान को एंटर करना है। एंटर करते ही दूसरा या तीसरा मकान है। अगर आप दिल्ली आएँ और ओल्ड दिल्ली का सफ़र करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ ज़रूर आए, एक बार यहाँ विज़िट करें। इसकी एंट्री फ्री है और यूजुअली ये खाली रहता है। यहाँ पे आके आप 300-400 साल पुरानी जो बातें हैं उनको आप रीलिव कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद प्लीज़ यहाँ पे कूड़ा ना मचाएं, शोर ना मचाएं, और के जो पोइट्री हैं थोड़े बहुत जो लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ें, घर जाने और इन्जॉय करें। हाँ जी भैया आओ, आप अपना नाम बताओ। आप यहाँ पे गार्ड हो क्या? जी सर, मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी। तो आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट रहता है? कितने टाइम के लिए रहोगे? अभी? हाँ अभी तो सर जाने वाला हूँ। नहीं नहीं, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का मिलता है? 3 साल का। 3 साल? तो अभी कितने साल हो गए आपको? अभी 7 साल हो गए वैसे। हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? बढ़ता रहता है। अच्छा, ओके। तो मतलब यहाँ पे लोग तो वैसे काफ़ी कमी आते होंगे? नहीं, काफ़ी लोग आते हैं। आते हैं, मतलब अभी गर्मी का मौसम है इसलिए। हाँ, शाम को आते हैं? शाम को और वैसे सुबह को भी आते हैं। हाँ, और अभी तो मौसम ऐसे ही हो रहा है गर्मी का, तो इसलिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, ठीक है भैया, थैंक यू यार साफ सफाई रखने के लिए। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। तो ये थे कुलदीप। शाउट आउट टू ऑल द वर्कर्स हु मेंटेन दीज ओल्ड स्ट्रक्चर्स। देखिए यहाँ पे सफाई काफ़ी अच्छी है। इवन द बिल्डिंग की हालत इतनी ठीक नहीं है लेकिन यहाँ पे सफाई मेंटेन की गई है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फाइनली मेरा पहला ब्लॉग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो बनाकर। होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इस वीडियो के बाद, आई होप, और होपफुली हम जल्दी मिलेंगे। मैं और अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और जो गांधी जी की जो मैंने कपलेट्स पढ़ाए हैं उसके खराब करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे, शब्बा खैर, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, सी यू सून।